बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपको इसलिए तकलीफ दिया है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक बार फिर हमारा जो इस मुल्क के सबसे बड़ा फोरम है, जो नेशनल असेंबली है, उसको सेंसर करवाया है। और जिस दिन पे एक हुकूमत की एक तरीके से एक वो एक अच्छी बात पेश कर सकते थे कि हमने एक लेजिस्लेशन लेकर आए हैं जो कि यूनानिमस हो सकता था, और उनकी आमराना हरकतों की वजह से, उनकी अना की वजह से, इस बात की वजह से कि वो नहीं चाहते थे कि ऑपोजिशन बोले, जो आपका हक है, जब बिल प्रेजेंट हो, जब बिल पास्ट हो, जो भी हो, वो हुकूमत का हक, हुकूमत बिल पेश कर रहा है, अगर मैं वोट भी इसका साथ दे रहा हूं, आप मेरा जबान बंद ही नहीं कर सकते हो, आप ऑपोजिशन जमातों के जबान बंद ही नहीं कर सकते। और जिस तरीके से आज हमारा नेशनल असेंबली ने, स्पीकर ने अपने रोल अदा किया है, वो मेरा मौकफ को ज्यादा ताकत देता है कि ऑपोजिशन जमाते को एक यूनाइटेड स्टैंड लेना चाहिए और इस स्पीकर के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आना चाहिए, ताकि हम नेशनल असेंबली में लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आए, ताकि नेशनल असेंबली में जमहूरी तरीके से अवाम के मसाइल का हल निकले। और मैं ये बात हमारा ऑपोजिशन पार्टीज की APC में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफिशियली डालूंगा और कोशिश करूंगा कि ऑपोजिशन जमाते मिलके इस मौकिफ पे आए, ताकि हम अपना जो नेशनल असेंबली है उसको एक प्रोफेशनल तरीके से चलाए। नेशनल असेंबली के स्पीकर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप PTI का कारकुन नहीं रहते, आप PTI का MPA MNA नहीं रहते हो, आप किसी जमात का नहीं रहते हो, आपको एक इंडिपेंडेंट रोल अपनाना पड़ता है और रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। एक होता है धांधली करना, जबरदस्ती अपना बिल पास करवाना, ये जो आज किया है मेरा समझ से बाहर है। इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि उनको हुक्म मिला था PTI की तरफ से, वरना रूल्स के मुताबिक, नॉर्म्स के मुताबिक और पॉलिटिकल प्रैक्टिकल पर्पसेस के मुताबिक आपने एक बिल जो गैर मुतनाजा हो सकता था उसको भी मुतनाजा बना दिया आपने अना की वजह से। इनका जो सेंसरशिप और गैर जमहूरी तरीका है वो ना सिर्फ काबिल मजम्मत है, वो अवाम के मसाइल में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो इश्यूज भी जिनके हल निकल सकते हैं, जिन पे हुकूमत और ऑपोजिशन कौमी मफाद पे काम कर सकते हैं, उनको भी जानबूझ के मुतनाज़ा बनाया जा रहे हैं। और ये अपना स्पीकर का ओथ का, अपना रोल का, जो उसका जनाब स्पीकर साहब का काम है, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं और थोड़ा बात करना चाहूँगा उस बिल पे जो आज पास किया गया है, इसलिए हुकूमत बार बार इस पूरा प्रोसेस में अपना कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही है। जो आज बिल पास हुआ है वो दो बिल्स हैं आउट ऑफ मेनी बिल्स दैट आर बीइंग प्रपोज्ड एज इन लाइन विद द फैक्टिव रिक्वायरमेंट्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत के आने से पहले हमेशा से इस मुल्क की इंतहा से इंतहा पसंदी का मुकाबला करना, दहशतगर्दी का मुकाबला करना, अपने आप पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना कि हम दुनिया में चल सकते हैं, दुनिया में काम कर सकते हैं, अपने अवाम का इज्जत हो, पाकिस्तान की ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो, हम अपना सिस्टम्स को तो इस तरीके तो से हमेशा करना चाहते हैं। और साथ साथ हमेशा हमारा स्टांस ये भी रहा है कि हम जमहूरियत के हक में हैं, हम इंसानी हकूक पे हक में हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई भी कानून साजी होने दे जो पाकिस्तान हमारे अवाम के इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी हो। इस हकूमत ने ये कोशिश की
कि जो फैटिफ के कानून हैं उनका इस्तेमाल करके फातिफ के नाम पे अपने आप को आमिराना ताकत दिलवाने की कोशिश की। जो ये बिल्स हैं इसमें हमने अमेंडमेंट्स डाले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों के अमेंडमेंट्स की वजह से हमने इसके इश्यूज हल भी किए थे सेनेट में, जिसके नतीजे में ये आज नेशनल असेंबली में आना था और पास होना था और जिस पे उन्होंने हमें बात नहीं करने दिया। हम हमेशा कौमी मफाद में अपना मुल्क का अपना रिस्पॉन्सिबल जो जमहूरी तरीका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो हमेशा ये कह सकते हैं कि हम इस साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़े रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत अगर समझती है कि हमें फातिफ का नाम लेके इस हुकूमत को इस किस्म के इख्तियार आते कि वो पाकिस्तान के शहरी को 6 महीने के लिए किसी एक ब्यूरोक्रेट के कहने पे एक मिसिंग पर्सन बना सकते हैं, तो मैं कभी ये इजाजत नहीं दे सकता और ना ही फातिफ आपसे ये मुतालबा कर रहा। इस किस्म के जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक्ट है जो इस हुकूमत ने चाहा कि आज जॉइंट सेशन हो वहां इंट्रोड्यूस्ड हो, उस पर भी हम उनसे लड़ रहे हैं, उस पर भी हमें अमेंडमेंट्स के लिए अपना मौकफ अपना रहे हैं। और दूसरे जो भी बिल्स हैं हम हर बिल को देख रहे हैं और जहां तक फैटिफ के रिक्वायरमेंट्स हैं वो पाकिस्तान का काम है और जो पाकिस्तान का काम होगा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खुद करेगी। लेकिन जो भी अगर ये चोर दरवाजे से समझते हैं कि वो अपने मिनिस्टर्स को अपने ब्यूरोक्रेट्स को अपने हुकूमत को आमराना ताकत दे सकते हैं आमराना पावर्स दे सकते हैं, तो जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली और सेनेट के हिस्से हैं, जब तक हम सियासी जमात हैं, हम पाकिस्तान के अवाम को और पूरी दुनिया को आपके इस कोशिश के बारे में अगवा करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। इस हुकूमत ने कोशिश किया कि वो एक झूठ की बुनियाद पे ये कोशिश कर रहे हैं कि फैटिफ को एनआरओ और नैब के साथ नथी की जाए। मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं, नैब ऑर्डिनेंस पीटीआई हुकूमत ने लेकर आए, नैब ऑर्डिनेंस एक मीटिंग का नतीजा था या 2 मीटिंग्स के नतीजे थे, एक जीएचक्यू में जनरल बाजवा के साथ जो बिजनेस कम्युनिटी ने मिला था और वही बिजनेस कम्युनिटी जब पीएम के साथ मिला था और हुकूमत के साथ मिला था, सबका यूनानिमस मौकिफ था, बिजनेस कम्युनिटी का मौकिफ था और वो हर दरवाजा का खटखटा रहे थे। बिजनेस कम्युनिटी अज खुद, ट्रेडर्स अज खुद हर दरवाजा खटखटा रहे थे कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकता। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी ने इस हुकूमत के शुरू होते हुए कहा था कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकता। इस हुकूमत का ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ, इस हुकूमत का पीटीआई गवर्नमेंट का अपना हुकूमत का अपना ऑर्डिनेंस लैप्स किया। वो हमसे बात कर रहे थे अपना ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए, जो ये फ्लैश कर रहे हैं कि ऑपोजिशन का पॉइंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर फारूक नायक साहब का बिल कब से सेनेट से इंट्रोड्यूस और पास हुए हैं उनके कमेटी से, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुके हैं, ये तो सिर्फ अगर आप ऐसे काम करते भी हो ये तो सिर्फ एक मसला का हल है ना।